अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कासगंज जनपद में जुनून के साथ मनाया गया। वैसे तो उत्तर भारत में सिंधु सरस्वती सभ्यता थी, जिसने 5000 साल पहले इस शानदार कला की शुरुआत की थी। ऋग्वेद में पहली बार इस अवधि का उल्लेख किया है। हालांकि योग की पहली व्यवस्थित प्रस्तुति शास्त्रीय काल में महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने इस प्रस्ताव को पसंद किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी गई। यह वर्ष 2015 में पहली बार मनाया गया था। माना जाता है कि भारतीय पौराणिक युग से योग की जड़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान शिव थे जिन्होंने इस कला को जन्म दिया। योग एक कला है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है। योग आवश्यक है क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है। और एक स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है। कासगंज जनपद में योग दिवस के अवसर पर सोरो स्थित स्टेडियम में सैकड़ों नारी शक्ति व पुरुषों के साथ योग की आष्टांगिक कलाओं के साथ योग क्रियाओं को नोडल अधिकारी मयूर माहेश्वरी के नेतृत्व में किया गया। योग दिवस पर DM हर्षिता माथुर, CDO सहित सभी अधिकारियों ने योग किया। देश में और बहुत ही स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ परंपरा ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की है। हम सभी लोग इसमें जुड़े हैं, पूरे मनोयोग से जुड़े हैं और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम अपनी नैतिक दिनचर्या में हम लोग शामिल करेंगे, जिससे कि ना केवल हम फिजिकली फिट रहें बल्कि मेंटली भी स्वस्थ रहें। इस भव्य कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई, और ज़िले के सभी लोगों से अपील करूँगा कि योगाचार्य को योगा को अपने दैनिक जीवन के एक पार्ट के रूप में अपनाएँ, फिट रहें, स्वस्थ रहें।